अच्छा ठीक है, चलता मैं। सही है ओ भाई, नोएडा का रैली हो रही है, आजादी का जश्न मना रहे हैं हम। सीधा जाएंगे कश्मीर आजाद कराएंगे, वहां से फलस्तीन, वापसी में हम इंडिया को बर्बाद करते हुए रोमांच चढ़ेंगे। वो 1,00,000 लोग जो खड़े हो रहे हैं, हाँ खामोश खड़े होंगे और इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। यार बात भाई, बात समझ तुम लोग, ये इंडिया वाला ऑब्सेशन कब खत्म होगा भाई? इसके अलावा है क्या आपकी तो बुनियाद ही है। इंडिया जो है चांद पर पहुंचने वाला है, दुनिया से बाहर, और आप जो है बुद्धों में मौजूद, हर मुल्क में चंदा भेजोगे और मुकामी आए फिर भी इंडिया से। यार नाकाम हुआ है दो दफा चांद पे जाने से। अरे कोशिश तो की यार, तुम लोग सोचते बस वही बैठ के सितारों पे कमेंट, चांद तारों पे कमेंट वही करते रहो बस। यही कॉन्सर्ट हो रहा है ना, यही आपको संसार करवाते हैं। इंडिया की तारीफ करनी है, वो चांद वो चंद्रयान 3 1 अगस्त को शायद वो मदार में दाखिल हुआ। और कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा टाइम उसने उसमें लिया है कि बजट उसका जरा लो रखा गया है, 600 करोड़ इंडिया पाकिस्तानी होगा तकरीबन 24-25 करोड़ रुपए। अच्छा अरबों का हम ऐसे बना देते हैं। अभी तारिक रोड से अगर आपने बागरबाद का सड़क बनाई हो तो 20 करोड़ की सड़क बना है। यार आज आप दफ्तर में 14 अगस्त ये कैसे हुआ? यार तो छुट्टी क्यों मनाते हम लोग? भारत का बड़ा एक खेल है आजाद कश्मीर के वजीर आजम ने, शायद मैं कंफर्म नहीं है लेकिन मैंने सुना था कि उन्होंने आम काफी ली थी बंदे के वर्किंग डे के तौर पर मना रहे हैं और वो किसी को दर्शन करार कर रहे हैं। ऐसा उठता है यार, ऐसी खुश होती है अगर संडे की माफी होनी है तो गौर में उठ जाते हैं। ऐसी बात संडे को छुट्टी है और अगर अगली छुट्टी मंडे को आ जाए तो ये भी निकल जाते हैं। अरे भाई जो महंगाई हो गई है, जिस तरह कर्जों में आप लोग देखते जा रहे हैं खत्म हो रहे हैं यार, आपको तो डबल डबल मेहनत करनी चाहिए यार, और अपनी अपनी जो सलाहियत है उसके लिहाज से करो यार। अब 40,000 रुपए का बंदा है यार, मैं किसी दुकान वाले अपने दोस्त से जाके ये क्यों नहीं कहता कि मुझे 4 घंटे के लिए बैठा लो दुकान में और 10,000 रुपए दे दो पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब यार हमारी कौन का मसला होगा? देखो 8 घंटे नौकरी करेंगे, 2 घंटे खुआ रहा नहीं जाएंगे, 10 घंटे हो गए 8 घंटे सोएंगे 18, बाकी 6 घंटे क्या करते हैं बताते? वो घर जाएंगे टीवी लगा लेंगे और कैपिटल टाउन देखेंगे बैठ के, और कैपिटल टाउन देखने के बाद उस पर तबसरा करेंगे, उस पर लड़ाई होगी घरों में, उसके बाद बैठ गई मोबाइल ही पकड़ के रील देख रहे होंगे जिससे उनकी कोई प्रोडक्टिविटी का चार दूर दूर तक नहीं है, उंगली मजबूत है। हाँ बस यही खरीदे यही देख रहे होंगे खाली, मतलब भाई कोई किताब पढ़ो भाई से उंगली मजबूत होती है, मतलब दूसरों में उंगली करते हैं कि भाई ये भी कर रहा है, ये गुंडा क्यों है, ये मुजरिम लग रहा है, ये मजहब की माफिया है, उसने मजहब के खिलाफ बात कर दी, उसको उंगली कर करके मार दो। मुझे उस पर आवाज नहीं मिलेगा और मैं गर्दन काटती हूँ आज पर बात करेगा सही, हमें अपनी आवाज समझनी चाहिए, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं यार। आप तो कभी पुराना बनाया कभी नहीं गाया नहीं खाया है भाई, आप तो गाए अब वो स्कूल में गाया फिर आप रंगदार रात में ये मिसाइल है या बम नहीं समझा है इसको, यही मुझे बनाया गई बड़ा कितने का लिया, कितने का लिया है? 50 का। और ये पराठा जो है हाँ यार बेचारा 35-47 रुपए का पराठा 50 का बाजा दो बाजी दो बाजा आ जाते पराठा एक और आ जाता क्या यार इससे क्या करेंगे होगा भाई, उनके कमाने कुछ मिलने का कोई सिस्टम है नहीं। अब जो हालात आ रहे हैं कि 100 रुपए की चीज 250 की हो गई है, तो यार या तो आप बच्चे पैदा करना कम करो या फिर आप डबल एफर्ट करो चीजों की। यार बच्चे क्यों पैदा करना नहीं यार, अल्लाह जी ये बताएंगे ना कभी गाना गाया आपने? नहीं पाकिस्तानी गद्दार है।
मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा बेटा ये देखो पाकिस्तान ऐसे बना था, उन्होंने उसको ये डॉक्यूमेंट्री निकाल के दिखाई। मैंने कहा पहली ट्रेन जो आई थी ना जिसको फातिमा जीना अपना कायद अजम और लियाकत अली खान और पूरी कैबिनेट खड़ी थी, उसको सब कटे पिटे आए थे, उसमें से एक बेटा जिंदा नहीं था। उन्होंने कहा तो झूठ ये देखो ना, ये रोड के बीच में जिस रोड के लिए रोते हैं यार ये खड्डे हैं, उसी में उन्होंने सुराग करके जैसे भारत का रोल है चिल्ला गाड़ दिया, उसी में झंडा लगा दिया। अब ये चौड़ा होता जाएगा, रोड टूट जाएगा तो नीचे एक छोड़ देंगे यार, ये टूटे हुए रोड बनाता नहीं है मक्का वाला। हाँ, पीपल्स पार्टी तासुम बरतती है। सलानी को एक टाइम पे मैं देखता था, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 4-5 साल पहले जाओ तो जो टेबल लगी होती थी ना सिर्फ उस पर 4-5 लोग आदमी में मुस्ताहिद होते थे, वो बेचारे खाना खा रहे थे। अभी 5-6 दिन पहले मैंने सारा फैसल में जेडीसी के कैंप पे तो कुछ नहीं, 150 लोगों की लाइन देखी है, सिर्फ दिल कट गया। इंसान जितना भी बड़ा मुफ्ता हो जो तो नष्ट होती है, बेचारे मजबूर से बने गए। चलो